हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक रिटेलर भाई हो और आप चलाते हो बीआई की रिटेलर वाली सिम और यहां पे अगर आप एमएनपी भी करते हो बीआई की सिम में, तो आपको ऑफर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक नए ऑफर के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं, बीआई में अगर आप एमएनपी करते हो तो यहां पे आपके लिए एक नई एफआरसी लॉन्च कर दी गई है। तो गाइस, ये एफआरसी आती है मात्र 99 रुपए वाली, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एयरटेल ने अपना प्लान 99 रुपए वाला बंद कर दिया गया है। उसी के चक्कर में यहां पर बीआई ने अपने प्लान को एफआरसी में बदल दिया गया है। अब बीआई के रिटेलर इस एफआरसी से आप कमा सकते हैं बहुत ही ज्यादा पैसा। तो गाइस, आपको कैसे कमाना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो गाइस, फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एयरटेल का 99 रुपीज वाला प्लान अब बंद कर दिया गया है। तो गाइस, अगर आपको ये नहीं पता अब एयरटेल में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान कौन सा करें, तो गाइस ये वीडियो आप जरूर देखना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरटेल ने अपना सबसे सस्ता प्लान 99 रुपीज वाला प्लान बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बीआई ने अभी तक ये प्लान बंद नहीं किया गया है, लेकिन इस प्लान को अपग्रेड भी कर दिया गया है, यानी कि अब आपको एफआरसी भी इस प्लान में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस एफआरसी से कितना फायदा होने वाला है और आपको ये फायदा कैसे उठाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एयरटेल के नंबर को बीआई की सिम में पोर्ट करते हो तो गाइस यहां पे अगर आप एफआरसी करते हो 99 रुपए वाली, तब इसमें आपको ओटीएफ कमीशन मिल जाता है 194 रुपए का। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इस एफआरसी में कुछ शर्तें दी गई हैं जिससे कि आपको 194 रुपए का ओटीएफ कमीशन मिल जाता है। तो गाइस, आइए जानते हैं वो शर्तें क्या हैं जिससे कि आपको 194 रुपए का ओटीएफ कमीशन मिल जाता है। तो गाइस, जैसे कि आप एयरटेल की सिम को एमएनपी करते हो बीआई की सिम में और आप एफआरसी करते हो 99 रुपए वाली, तब इसमें आपको ओटीएफ कमीशन मिल जाता है तुरंत 94 रुपए का। और दोस्तों, अगर आप एयरटेल की सिम को एमएनपी करते हो बीआई की सिम में 12 बजे से पहले, यानी कि दिन के 12 बजे से पहले अगर आप एमएनपी करते हो, तब इसमें आपको 100 रुपए का इंसेंटिव कमीशन और मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आप 12 बजे से बाद में ये एमएनपी करते हो और आप एफआरसी भी कर देते हो, तो इसमें आपको 80 रुपए का इंसेंटिव कमीशन और मिल जाता है, वो भी बाद में। तो गाइस, आपको 99 रुपए वाली एफआरसी में 94 रुपए का ओटीएफ तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो आपको 100 रुपए का और 80 रुपए का इंसेंटिव कमीशन मिलता है, वो आपको बाद में मिलता है अगर आप 5 एमएनपी कर लेते हो तब। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इस स्कीम के लिए आपको 5 एमएनपी करनी पड़ेंगी, आप चाहे दिन के 12 बजे से पहले करें या फिर बाद में। तो गाइस, अगर आप ये 5 एमएनपी नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 94 रुपए का ही कमीशन मिल पाएगा हर बार। अगर आप 5 एमएनपी कर लेते हो तब यहाँ पे आपको 194 रुपए के हिसाब से कमीशन मिल जाता है हर बार। लेकिन दोस्तों, आप जियो या फिर बीएसएनएल को अगर आप बीआई में पोर्ट करते हो तो आपको वहां पर सिर्फ 94 रुपए का ओटीएफ कमीशन मिलता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।